क्या है ये पूरा मसला? ग्रामीण यहाँ पर नाराज हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण? देखिए, ग्रामीण लोगों के लिए बस की सुविधा पूर्व में हमारी सरकार के समय थी, जिसको इन्होंने बंद किया। और ये जब मैंने विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया तो मुझे जवाब के तौर पर ये कहा गया कि रोड ठीक नहीं है, पीडब्ल्यूडी जब रोड की फिटनेस दे देगी तो हम यहाँ पर बस चला देंगे। परंतु मैं हैरान हूँ कि जो रोड पीडब्ल्यूडी ने जिसको फिट नहीं किया है और लोगों को ये झूठ बोला गया है कि रोड जब पीडब्ल्यूडी की क्लियरेंस नहीं है, तो वैसे खतरनाक रोडों पर बस चलाकर पोलिंग पार्टी को भेजने का जो खतरा बोल दिया है, उसके लिए कौन सी जिम्मेवार है? लेकिन सर देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो पोलिंग पार्टियों का पहुंचना भी जरूरी है, लेकिन दूसरा उससे बड़ा सवाल ये है कि जब विधानसभा सत्र में आपने भी जैसे कहा कि आपने ये सवाल उठाया था, तो उपमुख्यमंत्री और जो परिवहन मंत्री भी हैं उन्होंने ये कहकर इस बात को टाल दिया था कि ये रोड पूरी तरह से अनफिट है। तो सर, बतौर विधायक अब आगे आपका क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि अब तो तस्वीर साफ हो गई है और कहीं ना कहीं आरोप भी एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर ये लग रहे हैं कि शायद बस की सुविधा यहाँ पर देना नहीं चाहते। क्या ये मंशा ग्रामीणों की यहाँ पर है या ये ख्याल ग्रामीणों के मन में है? आगे आपका बतौर विधायक क्या जिम्मेदारी और क्या स्टेप्स रहेंगे सर? ये जन विरोधी सरकार है और हम तो इस सरकार को फिर एक बार आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर बस चलाई जाए, अन्यथा फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार के खिलाफ और परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं रह सकता। लेकिन अभी यहाँ पर किस तरह की कनेक्टिविटी है सर? अभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो छोटी बसेस यहाँ पहुंचती हैं या किस तरह से यहाँ पर लोग एक दूसरे स्थान पर जाते हैं एक स्थान से? मनरेगा की दिहाड़ी लगाकर ये लोग काम करते हैं और अपने घर से मेन रास्ते तक आने के लिए हजारों रुपया ये टैक्सी वालों को किराया दे रहे हैं। अच्छा, तो एक तो इनकी कमाई के साधन कम है, ऊपर से खर्चे बहुत अधिक है। सरकार ने हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, हमें वापस वहां पहुंचा दिया है जहां हम काफी वर्ष पहले हुआ करते थे। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि जब पूर्व में आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो यहाँ पर बस सुविधा थी। फिर क्या कारण सामने निकल कर आया कि जब सरकार बदली, सत्ता बदली, तो फिर यहाँ पर बस की सर्विस बंद कर दी गई? कि क्या उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाए थे कि क्यों बस सर्विस बंद कर दी गई, लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है? उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी? इन्होंने एक मोड़ पे दंगा गिरने का बहाना लिया। अच्छा। और एक डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया है, ना उस दंगे को ये सुधार कर रहे हैं और ना ही ये उस रोड पर बस चला रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है, सरकार का हमेशा एक राग अलापती रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है? और अपने लोगों को, अपने मित्रों के लिए कैबिनेट रैंक बांटने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जनकराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्थानीय विधायक का डॉक्टर जनकराज, जो भाजपा के विधायक हैं, और उनका ये आरोप है कि भाजपा की सरकार के समय यहाँ पर बस आती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक डंगा गिरने का बहाना बनाकर यहाँ पर बस सर्विस को बंद कर दिया है। और अब क्योंकि पोलिंग पार्टीज को लेकर बस यहाँ पहुंची है, तो स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर अब स्थानीय विधायक ये कह रहे हैं। भरमौर से विधायक डॉक्टर जनकराज हैं, भाजपा नेता हैं, उनका ये कहना है कि आगे आने वाले समय में वो सरकार अगर इसको लेकर कदम नहीं उठाती है, बस सर्विस यहाँ पर दोबारा रिज्यूम नहीं करती है, शुरू नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ ग्रामीणों के साथ मिलकर मोर्चा खोला जाएगा। विचित्र हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ। जी विचित्र, जनकराज जी से अभी मैं बात कर रही थी, उनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार ने भेदभाव का रवैया अपनाया है, डंगा गिरा है, उसका बहाना बनाया है, और अभी तक ना उस डंगे को हटाया है, ना ही बस सर्विस शुरू करने को लेकर किसी तरह का कोई कदम सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। विचित्र जाश्वन, इस पर इससे पहले कि हम लोग इस पूरे मुद्दे पर बात करें, मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो सरकार का ये जो ट्रांसपोर्ट और ये जो रोड जो सिस्टम होता है, उसकी जो रूल बुक होती है, उसमें साफ शब्दों में ये लिखा होता है कि क्या वाहन और क्या रोड, अगर वो अनफिट है तो वहां पर जो है वो, अगर कोई अपने वाहन को लेकर जाता है, अपने अनफिट वाहन को लेकर जाता है, या फिर अनफिट रोड पर कोई वाहन को लेकर जाता है, या अनफिट रोड होता है वहां पर कोई हादसा होता है, तो वो एक तरह से कानून की अवहेलना होगी। लेकिन जब कानून ही कानून की अवहेलना करने लगेगा, तो निश्चित तौर पर जो है वो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और शायद आज ये जो लोग, ये जो जनता, ये जो जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और न्यूज 18 भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए इस मुद्दे को जो है सार्वजनिक कर रहा है कि आखिर दोहरा मापदंड क्यों, दोहरा मापदंड इसलिए क्योंकि जो जनता जो है कह रही है कि रोड बन गया है, रोड पर वाहन आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पर आती हैं, तो फिर एचआरटीसी के पास यहां क्यों नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यही वो जनता है। यहां पर रणकोठी पंचायत है, जगत पंचायत है, यहां दर्जनों गांव है और यहां 5000 से भी ज्यादा की आबादी यहां पर है और वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त जो पैसा व्यय करके जो है प्राइवेट गाड़ियां यहां से हायर करते हैं, टैक्सी हायर करते हैं, फिर जो है मुख्य रोड नेशनल हाईवे 154A तक पहुंचते हैं और फिर वहां से जो है बाकी के स्टेशन तक जो है वो आवाजाही करते हैं। तो इसलिए लोगों की जेबों पर अतिरिक्त खर्चा पड़ रहा है, ऊपर से ये जनजातीय क्षेत्र है और यहां पर जो है जब लगातार मांग एचआरटीसी की बस की, क्योंकि ये किफायती है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, लोगों की लाइफलाइन है, और उस लाइफलाइन को अगर अब तक जो है वो डिस्कनेक्ट रखा गया है या नहीं भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज खुद जो है देखिए आज चुनाव आयोग की एक गाड़ी जो पोलिंग पार्टी को लेकर वहां पर पहुंचती है, कहा यह जा रहा है कि 26 लोग उस गाड़ी में सवार थे। अगर खुदा ना खास्ता, कोई ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन अगर जिस तरह से डंगे बहने की बात कही जा रही है, अगर कुछ ऐसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था, उस पर कौन जिम्मेदारी लेता। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में बीते कल हम लोगों ने देखा कि जम्मू के जो अखनूर में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इस तरह के हादसे जनजातीय क्षेत्र में पहले होते रहे हैं, घरों के चिराग बुझ गए हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों में कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इस तरह के हादसे हुए हैं। तो अगर सरकार जिम्मेदारी के साथ ये कहती है कि रोड अनफिट है जैस्मिन, तो फिर जो है इस तरह से इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, 26 लोगों को, वो भी तो किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के पति होंगे, जो लोग जो है या बहन हमारी बहनें उसमें गई होंगी, तो वो लोग कौन है, उनकी जिंदगियों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों। तो ये बहुत सारे सवाल है जाशन, विचित्र ये सवाल लाजमी है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद ग्रामीणों ने सवाल भी उठाए कि उनके लिए बस की सुविधा नहीं है, उन लोगों को हजारों रुपए टैक्सियों पर खर्च करके मेन रोड तक पहुंचना पड़ता है, ऐसे में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो फिर ग्रामीणों में कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर वो चीज रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 16 महीनों में यहाँ के ग्रामीणों ने क्यों सवाल नहीं उठाए, क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं की, यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जनता की आवाज उठा सकते थे, उन्होंने इन 16 महीनों में क्या कुछ किया कि जो लोगों की नाराजगी है वो खुलकर सामने आए और सरकार कुछ कदम उठाए। जैस्मिन, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, जब धर्मशाला में ही शीत सेशन चल रहा था वहां पर, उस वक्त जब विंटर सेशन चल रहा था, उस वक्त जो है क्योंकि जनता देखिए एक दौर था जब जनता जो है वो सरकार से सीधे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी, जनप्रतिनिधियों से आपने सवाल नहीं पूछ पाती थी, लेकिन जो पंचायत या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बड़ा जो जनप्रतिनिधि होता है यानी जो विधायक होता है उनकी मार्फत जो अपने मुद्दे को उठाती है। तो डॉक्टर जनकराज की मार्फत जो है ये मुद्दा निश्चय तौर पर जो है वो सदन में उठा था, ये हम लोगों ने देखा, कवर भी किया और हमने चलाया भी उस वक्त भी। अभी जुम्मा उसके लिए कोई 2-4 महीने ही हुए होंगे क्योंकि जनवरी में वो सेशन यहां पर हुआ था, उसमें ये मुद्दा उठा था और बकायदा उस वक्त जो परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री ने उसका माकूल जवाब भी उनकी ओर से दिया गया था। देखिए उन्होंने कहा था कि ये रोड अनफिट है और लगातार ये लोग जो आवाज उठाते रहे, जिस तरह से जनप्रतिनिधि की हमारे पास एक सीन बाइट आई है, उन्होंने कहा है कि देखिए हम लगातार इस मुद्दे को आज से नहीं बल्कि उस वक्त से उठा रहे हैं जब डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी खुद को कहती थी और तब विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के जियालाल कपूर के समय से जो है वो ये आवाज उठा रहे हैं जब रोड बन चुका है तो गाड़ी भेजिए, तो गाड़ी उस वक्त भी नहीं आई, गाड़ी आज भी नहीं आई, लगातार ये लोग सवाल उठाते हैं लेकिन होता वही है ढाक के तीन पात। तो कहीं ना कहीं अब जनता वो दौर नहीं बचा है जब जनता जो है वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी, सवाल नहीं पूछ पाती थी, अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन अब जनता के सामने मीडिया जैसे जो है वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म उनको मिल गए हैं और मीडिया की मार्फत आज ये सवाल उठती है और न्यूज 18 खासतौर पर जो है उन तमाम दुर्गम इलाके हो या हिमाचल प्रदेश का कोई भी इलाका हो, हर जगह पहुंचता है, हर जगह रीच है। शायद यही वजह है कि जनजातीय क्षेत्र से हमें अप्रोच किया गया है और न्यूज 18 की मार्फत ही ये आवाज आज फिर से बुलंद हुई है और उसी के तहत जो आज देखिए वहां के विधायक भी हमारे साथ जुड़े और जनता भी हमारे साथ जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, और ये सवाल जरूर लाजमी है, हालांकि चुनाव आचार संहिता अभी लागू है, इस तरह के मुद्दों को लेकर सरकार भी कुछ नहीं कह सकती, कोई कदम नहीं उठा सकती, लेकिन ज्यों ही चुनाव खत्म होगा आप जरूर ये सरकार से सवाल पूछेगा और लोगों की आवाज बनने की कोशिश कीजिएगा जो हमेशा न्यूज 18 करता आया है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।